हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग लेक्चर 6 देखेंगे, ठीक है ना। इससे पहले हम लोग लेक्चर 5 पढ़ चुके थे, परमेबिलिटी ऑफ सॉइल का, है ना। तो आज लेक्चर 6 पढ़ेंगे। तो लेक्चर देखने से पहले कुछ बातें कर लेते हैं। तो आपको हमेशा लाइफ में मुस्कुराते रहना है, खुश रहना है, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग का जिंदगी जो है एक इस ट्रैफिक सिग्नल की तरह है ना, कि अगर कुछ देर हम लोग वेट कर लें तो रेड सिग्नल क्या हो सकता है, ग्रीन हो सकता है ना। तो उसी प्रकार अगर आपके जिंदगी में समस्या आता है तो आप घबराइए नहीं, समस्या से लड़िए, वेट एंड वॉच करिए, देखिए, है ना। तो चलिए हम लोग लेक्चर 5 में हम लोग क्या पढ़े थे उसको थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। लेक्चर 5 में हम लोग पढ़े थे कि सॉइल जब आपका क्या है, बेडिंग प्लेन, जब सॉइल स्टार्टर के बेडिंग प्लेन के पैरेलल में फ्लो कर रहा है, डिस्चार्ज थ्रू बेडिंग प्लेन के पैरेलल, है ना। तो क्या कंडीशन था, के इक्विवेलेंट और के में क्या रिलेशन था, के वन के टू के थ्री में क्या रिलेशन था। तो देखिए ये कभी कभी फंस जाता है। हाँ, हॉरिजॉन्टल फ्लो में क्या होगा, देखिए हॉरिजॉन्टल फ्लो में क्या होगा कि आपका जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है ना, सभी सॉयल स्टाटा में सेम होगा। और पैरेलल में क्या होगा कि डिस्चार्ज थ्रू जो सॉयल होगा ना वो सेम होगा, परपेंडिकुलर कंडीशन में। देखो ये आपका क्या है, बेडिंग प्लेन के पैरेलल फ्लो कर रहा है, ठीक है। और परपेंडिकुलर के केस में क्या होगा, बेडिंग प्लेन के परपेंडिकुलर फ्लो करेगा, ठीक है। बेडिंग प्लेन के क्या करेगा, परपेंडिकुलर फ्लो करेगा, ठीक है ना। तो देखिए हॉरिजेंटल वाले, हॉरिजेंटल फ्लो कर रहा था तो आई इक्वल टू क्या था, आई वन आई टू आई थ्री आई एन था, है ना। ऐसा क्यों हो रहा था, ऐसा इसलिए हो रहा था कि जैसे देखिए ये क्या आपका लेंथ आपका क्या था, सबका सेम है ना, ये वाला डिस्टेंस सबका सेम है, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है। तो इसका एरिया जो लिखेगा, प्रोजेक्टेड एरिया लिखेगा, है ना। इसका प्रोजेक्टेड एरिया क्या हो जाएगा, इसका प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगा एल इंटू एच वन, ठीक है। इसका प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगा कितना, एल इंटू एच टू, ठीक है। इसका प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगा, सॉरी इसका सबको मिटा दो पहले, ठीक है। देखो इसका जो प्रोजेक्टेड एरिया है, मतलब किधर फ्लो कर रहा है, देख रहे हो कि किधर फ्लो कर रहा है, इधर, मतलब इधर से फ्लो कर रहा है। हम इसको थोड़ा सा विजुलाइज कराएं तो देखो, देखिए आपका सॉइल स्टाटा इस प्रकार है, आपको जो दिख रहा है वही है ना। हम इसको मान लेते हैं कुछ देर के लिए, क्या है आपका सॉइल स्टाटा है ना। चलो मोटा वाला लेते हैं। जैसे देखो ये क्या है आपका सॉयल स्टाटा है ना, आपको तो दिख रहा है अच्छा इसका सेक्शन। तो ये आपका ये क्या है, सॉयल स्टाटा है, ठीक है। तो इधर से फ्लो कर रहा है तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया ये होगी, मतलब जिस साइड से आपका सॉयल फ्लो कर रहा है ना, सॉयल में डिस्चार्ज हो रहा है ना, वो वाला एरिया हमको लेना है ना कि ये वाला लेना है। अगर इधर से फ्लो करेगा तो हमको ये एरिया लेना है, लेकिन फ्लो किधर से कर रहा है, ये वाला ना, तो आपका एरिया ए होगा, ठीक है। तो इस एरिया में क्या है, ये सबका सेम है, ये सबका सेम है। देखो उसको फिगर को, सॉयल स्ट्राटा में ये वाला क्या है, सबका सेम है, इसी पे एक दूसरा रखा हुआ है, इसी पे एक दूसरा लेयर है कि नहीं। तो लेंथ क्या है, सबका सेम ही है ना, बुक का भले नहीं हो, हाँ बुक का भी सेम ही है। तो इसी प्रकार का लेयर है कुछ सॉयल का, तो इसके
पैरेलल फ्लो कर रहा है, इस बेडिंग प्लेन के क्या है, इस बेडिंग प्लेन में ही फ्लो कर रहा है, यानी बेडिंग प्लेन के पैरेलल फ्लो कर रहा है, तो आपका कॉफिशियंट ऑफ परमेबिलिटी में क्या रिलेशन होगा, मतलब है कि इफेक्टिव कॉफिशियंट ऑफ परमेबिलिटी जो हम लोग निकालेंगे वो कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, वो हमको ड्राइव करना था और ड्राइव कर लिए हम फिफ्थ लेक्चर में, है ना, कि इसके पैरेलल, और इसी लेक्चर में हमको देखना है कि इसके परपेंडिकुलर फ्लो करेगा, इस सॉइल के बेड है, इस सॉइल का बेड है, सॉइल सैंपल का ये बेड है, तो इसकी एक बार परपेंडिकुलर फॉलो करेगा, एक बार परपेंडिकुलर डिस्चार्ज होगा और एक में पैरेलल, जो हम लोग पैरेलल वाला देख लिए, तो उस वक्त आपका ए वाला एरिया लेना है, ए वाला एरिया, ठीक है। तो देखो यही यहाँ पे, ठीक है, तो ए वाला एरिया, इसका हम लोग लेंथ क्या था, इसका सबका सेम था, है ना, लेंथ जो ए वाला है सबके सेम है, लेकिन विड्थ जो है, विड्थ अंदर की ओर वाला हम ले रहे हैं, विड्थ अंदर की ओर वाला है, वो क्या है इसका, 1 मीटर है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू वन, है ना, ठीक है। उसी प्रकार अगर इसका परपेंडिकुलर फ्लो करेगा तो हमको कौन सा एरिया लेना है, परपेंडिकुलर फ्लो कर रहा है तो यही वाला लेना है ना, ए वाला परपेंडिकुलर फ्लो कर रहा है ना, तो ए वाला डिस्टेंस, ठीक है, और इसके अंदर की ओर विड्थ वाला डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर में क्या, ये हाइट, सॉरी पैरेलल बेडिंग प्लेन के पैरेलल फ्लो कर रहा है ना, तो हाइट इंटू लेंथ हो जाएगा, हाइट इंटू लेंथ यानी एच वन इंटू एल हो जाएगा, ठीक है, पैरेलल के केस में, परपेंडिकुलर के केस में क्या होगा, विड्थ इंटू लेंथ, विड्थ अंदर की ओर है, विड्थ हम क्या मान लिए, अंदर की ओर है, ये आपका लेंथ है, तो विड्थ इंटू लेंथ, लेंथ क्या है, सबका सेम ही है, तो दोनों एरिया, अब दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, वो फ्लो पे डिपेंड करता है कि आपका फ्लो कैसा हो रहा है, जैसे आप कंटिन्यूटी इक्वेशन में पढ़े हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन में कि जैसे देखिए कोई एक पाइप है, मैं भी देखता हूँ, ये आपका कोई पाइप है, ठीक है, इसके द्वारा डिस्चार्ज हो रहा है, यहाँ पे इसका आउटलेट है, इस पाइप का ये इनलेट है, इस पाइप का ये क्या है, आउटलेट है ना, ये पाइप का आपका इनलेट है, इसके द्वारा कोई डिस्चार्ज होगा, जितना इसके द्वारा डिस्चार्ज होगा उतना ही इसके द्वारा डिस्चार्ज होगा, बोलो कंटिन्यूटी इक्वेशन से, यानी हम लोग कह सकते हैं कि इसमें फ्लो हो रहा है आपका ए वन, इस एरिया, इस पाइप का एरिया ए वन है, इसमें फ्लो हो रहा है वी वन, और ये पाइप का एरिया है वी टू इंटू ए टू, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन से हम लोग क्या जानते हैं, ए वन वी वन बराबर ए टू वी टू, बोलो जानते हैं ना, तो हम कह सकते हैं कि जो आपका डिस्चार्ज हो रहा है किस पे डिपेंड कर रहा है, इस प्रोजेक्टेड एरिया पे, है ना, ये प्रोजेक्टेड एरिया पे डिपेंड करेगा, ये आपका प्रोजेक्टेड एरिया है तो इस पे डिपेंड करेगा, तो ये वाला हमको लेना है, ना कि ये वाला एरिया लेना है, ये वाला एरिया, ये एरिया नहीं लेना है, जहां पे डिस्चार्ज हुआ, ठीक है, जहां से इनलेट हुआ उसका एरिया, क्रॉस सेक्शन कट करने के बाद का एरिया, ठीक है, इस पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया हमको लेना, ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी है, सवाल स्टाटा में भी है कि हमको एरिया कौन सा लेना है, ये वाला लेना है, परपेंडिकुलर फ्लो कर रहा है तो ये वाला एरिया, और पैरेलल फ्लो कर रहा है तो ये वाला एरिया, ठीक है, हाँ, तो इसमें एरिया का ही खेल है, और बाकी दो कंसेप्ट इसमें है, उसको याद रखो, बस इसका डेरिवेशन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो जब पैरेलल फ्लो है तो उसमें क्या होता है कि आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट सेम होता है, जब बेडिंग प्लेन के पैरेलल फ्लो कर रहा है तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, आई इज कल टू आई वन, ठीक है, आई इज कल टू क्या होगा, आई वन इज कल टू आई टू इज कल टू आई थ्री होगा, है ना, डॉट 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 आई एन भी हो सकता है, मतलब एन सॉइल स्टार्ट आपका है ना, लेकिन अगर यही आपका सॉइल स्टार्टा जो है परपेंडिकुलर रहता तो, मतलब इसके परपेंडिकुलर फ्लो होता तो उस वक्त आपका डिस्चार्ज सेम होता, डिस्चार्ज आपका सेम होता, Q इज इक्वल टू क्यू वन इज इक्वल टू क्यू थ्री इज इक्वल टू डॉट 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 क्यू एन, है ना, ठीक है, तो इस प्रकार आपका डिस्चार्ज आ जाता है, चलिए ठीक है।
तो वर्टिकल फ्लो में हम लोग को डिस्चार्ज निकालना है कि कितना डिस्चार्ज करेगा, ठीक है, वर्टिकल फ्लो में कितना डिस्चार्ज होगा। तो हम अभी बोले ना कि फॉर अ वर्टिकल फ्लो द फ्लो रेट क्यू थ्रू एरिया ए ऑफ ईच लेयर इज सेम। मतलब क्या हो गया, ईच लेयर में क्या हो गया, आपका डिस्चार्ज सेम हो गया। इसमें भी जितना डिस्चार्ज होगा उतना ही इस लेयर में डिस्चार्ज होगा, उतना ही इस लेयर में डिस्चार्ज होगा, उतना ही इस लेयर में डिस्चार्ज होगा, है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हेड लॉस के कारण डिस्चार्ज हो रहा है। अगर आपका हेड लॉस नहीं होता, मतलब वाटर यहीं पे रहता, जहाँ पे इसका हाइट है यहीं पे रहता, तो आपका इसमें कुछ में डिस्चार्ज नहीं होता, सॉयल में डिस्चार्ज नहीं होता, ठीक है। मतलब इतना ही तक आके आपका रुक जाता है, यहाँ पे पानी भर देते आप यहाँ तक, इसमें भी पानी यहाँ तक भर देते, तो इसमें आप डिस्चार्ज रुक गया ना। तब देखो यहाँ पे हेड लॉस का हम यहाँ पे क्या कर दिए, हेड लॉस कर दिए, सॉरी हेड का डिफरेंस कर दिए, हेड का यहाँ पे डिफरेंस कर दिए ना, तो हेड डिफरेंस हो गया यहाँ पे, देखिए हेड डिफरेंस हो गया, इसका हेड यहाँ पे है, इसका हेड यहाँ पे आना है, तो सॉइल द्वारा कुछ डिस्चार्ज होगा ना, तब तो हेड सेम होगा यहाँ पे, हेड इसका हेड लॉस होगा, इसका हेड राइज होगा, ठीक है। तो इसके द्वारा डिस्चार्ज हो क्या होगा, इस सॉइल के द्वारा डिस्चार्ज हो क्या ना होगा। अब इसमें डिस्चार्ज आपका डाउनवर्ड भी हो सकता है और डिस्चार्ज अपवर्ड भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपने कैसा लिया है कंटेनर, हेड डिफरेंस किसमें ज़्यादा क्रिएट किया है। जैसे आपका हम बोल दें कि इसका हेड क्या रहता, ज़्यादा रहता, इस वाला सॉयल सैंपल का क्या हेड ज्यादा रहता, ठीक है, तो डिस्चार्ज अब किधर होता बताओ, डिस्चार्ज का जो डायरेक्शन है किधर होता, यानी कि फ्लो ऑफ वेलोसिटी है जो, इसका डायरेक्शन किधर होता, डाउनवर्ड अब हो जाता। अब इसमें से डिस्चार्ज होगा इस सॉयल सैंपल में होते हुए यहां तक पहुंचेगा, है ना, तो ये सब ध्यान देना है। तो इसमें क्या होगा, परपेंडिकुलर के केस में, यानी कि बेडिंग प्लेन के परपेंडिकुलर फ्लो कर रहा है आपका सॉयल, सॉइल के बेडिंग प्लेन के परपेंडिकुलर आपका वाटर फ्लो कर रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि उसमें डिस्चार्ज होगा सब में सेम होगा, है ना। तो डिस्चार्ज जब सेम होगा तो हम लोग लिख सकते हैं हाइट इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, मतलब हेड लॉस इक्वल टू एच वन प्लस एच टू प्लस एच थ्री डॉट 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 एच एन। मतलब इसमें कह रहे हैं कि एन सॉइल स्टाटा हम लोग लिए हैं, है ना। तो देखिए अब हेड टोटल हेड लॉस कितना होगा, देखो जैसे देखो ये टोटल हेड एच है, तो इसमें जितना हेड लॉस होगा टोटल हेड लॉस के समेशन इसके बराबर ही होगा, होगा कि नहीं, अरे ये टोटल हेड लॉस कर देगा, वो किसके बराबर होगा, इसमें जितना हेड लॉस होगा उसी के बराबर ना। अब यहाँ तक जैसे वाटर आ जाता है, यहाँ तक वाटर आ जाता है, तो हेड सेम हो जाएगा ना, जो यहाँ पे हेड था वो सेम हो जाएगा। तो इसमें यही है कि हेड लॉस इन दिस कंटेनर सेम एज हेड लॉस इन सॉइल, तो यही ये कंसेप्ट हमको हमेशा याद रखना है। तो एच इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, एच वन प्लस एच टू प्लस एच थ्री प्लस एच एन लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें दो तरीके से हम लोग ड्राइव कर सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं आई इंटू एच इक्वल टू आई वन एच वन प्लस आई टू एच टू प्लस आई थ्री एच थ्री, जो यहाँ पे दिया हुआ है वो। तो यहाँ पे जब क्या है आपका डिस्चार्ज सेम है तो वेलोसिटी भी सेम होगा सभी में, यानी कि वेलोसिटी और फ्लो होगा जो सेम होगा, तो डिफरेंट क्या होगा, एरिया सब में डिफरेंट होगा, है ना, क्योंकि डिस्चार्ज इक्वल टू हम क्या जानते हैं, एरिया इंटू वेलोसिटी जानते हैं, तो एरिया सब का डिफरेंस किस वजह से होगा, देखो एरिया सब का डिफरेंस किस वजह से होगा, देखो हम बात करते हैं इसमें, देखो बेडिंग प्लेन है ना, तो इस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो ए वाला तो सबका सेम है ना, सबका सेम है ए वाला, लेकिन ए वाला क्या है, सबका डिफरेंट है, एच वन एच टू सबका डिफरेंट है, ठीक है, तो इस वजह से फेरी कर जाएगा। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि के आई इजकल टू क्या होता है, के आई इंटू ए इजकल टू डिस्चार्ज होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं के इंटू एच अपॉन एल, है ना, इंटू एरिया इंटू क्यू हो गया। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एच इक्वल टू क्या क्यू एल अपॉन, क्या लिख सकते हैं, के एच लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, और एच इक्वल टू लिख सकते हैं क्यू एल के एच लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और देखो
यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, एच इज इक्वल टू था एच वन प्लस एच टू प्लस एच थ्री, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, एच को हम लिख एच इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ऐसे क्या क्यू इज इक्वल टू लिख सकते हैं ना, के आई ए। तो यहाँ से के आई को क्या लिख सकते हैं बोलो, एच हेड लॉस अपॉन लेंथ इंटू एरिया। तो यहाँ से एच इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, क्यू इंटू एल अपॉन एरिया इंटू के। तो यहाँ से सबका वैल्यू रख दो, एच इज इक्वल टू यहाँ पे रख दो क्यू इंटू एल अपॉन के वन, ओ के वन इंटू एरिया, आई क्या हो जाएगा क्यू वन इंटू एल, लेंथ सबका सेम है, क्यू वन इंटू एल। देखो इसका लेंथ अप फ्लो ये हो जाएगा, सॉरी लेंथ सबका सेम नहीं होगा, देखो देखो इधर फ्लो कर रहा है ना, वर्टिकल वाला निकालते हैं, वर्टिकल वाला इधर फ्लो कर रहा है, तो लेंथ ऑफ फ्लो आपका ये हो गया है ना, लेंथ ऑफ फ्लो ये हो गया, तो आपका लेंथ सबका सेम नहीं है, एच वन हो गया, इसका लेंथ एच वन हो गया और इसका कितना हो गया एच हो गया है ना, टोटल डिस्चार्ज है। और इसको हम लोग के इक्विवेलेंट लिख देंगे, मतलब इफेक्ट हम देखना चाहते हैं टोटल परमिटिविटी का। तो एच वन हो गया अपॉन के वन इंटू ए, एरिया सबका सेम होगा, देखो कैसे सेम होगा, अरे एरिया यही होगा ना, एरिया यही होगा, ठीक है। तो देखो लिख सकते हैं हम, और क्यू टू इंटू एच टू अपॉन के टू ए लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, चलो इसको मिटा देते हैं। ठीक है चलो, और क्या लिख सकते हैं, क्यू थ्री एच थ्री अपॉन के थ्री ए है ना। तो अब क्या है, क्यू बराबर क्यू वन बराबर क्यू टू बराबर क्यू थ्री है कि नहीं बताओ, तब सबका वैल्यू रख दें, तो क्यू इंटू एच अपॉन के इक्विवेलेंट इंटू एरिया इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ, क्यू इंटू एच वन डिवाइड बाई के वन, ये भी कैंसिल कर देते हैं, ये सब में सेम है, कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा, क्यू इंटू एच टू डिवाइड बाई के टू प्लस क्यू थ्री, सॉरी क्यू हो जाएगा ना, एच थ्री डिवाइड बाई क्या हो जाए के थ्री, ये सब में कॉमन लिख कट दिए हैं, ये सब में कॉमन लिख कट दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ तो अब ये क्यू भी सब में कॉमन है, तो क्यू हम सबको कैंसिल कर देंगे है ना, तो बच जाएगा मेरा क्या, तो बच जाएगा आपका एच अपॉन के इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, एच वन अपॉन के वन प्लस एच टू अपॉन के टू प्लस एच थ्री अपॉन के थ्री, होगा कि नहीं, होगा ना। चलो अब के इक्विवेलेंट हमको निकालना है, और एच इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कैपिटल में लिख लेना, ये स्मॉल में लिखा गया उसको कैपिटल में लिख बदल लेना, ठीक है ना, मतलब ये क्या है, ये कुछ नहीं है, कैपिटल एच इज इक्वल टू कैपिटल एच वन कैपिटल एच टू कैपिटल एच थ्री भी लिख सकते हैं है ना। तो देखो अब इसको हम इरेज करते हैं, अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको इरेज करते हैं, ऊपर लिखते हैं ये स्टेप हम यहाँ लिखेंगे इरेज करके है ना। तो देखो चलो देखो, तो के इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या लिख देंगे, अब के को हम इधर लाएंगे, के इक्विवेलेंट को इधर लाएंगे, बाकी सबको चलो एक स्टेप लिख के देते हैं, एच अपॉन के इक्विवेलेंट, एच को क्या लिख सकते हैं,
एच वन प्लस एच टू प्लस एच थ्री लिख सकते हैं, और डिवाइड बाई क्या हो गया, के इक्विवेलेंट। दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, एच वन अपॉन के वन प्लस एच टू अपॉन के टू प्लस एच थ्री अपॉन के थ्री। तो यहाँ से हम के इक्विवेलेंट इसको लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं ना क्या, चलो इसको मिटाते हैं। ब्लैक ले ठीक है, तो के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इक्विवेलेंट को उधर भेज देंगे है ना, तो हम लिख सकते हैं के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एच वन प्लस एच टू प्लस एच थ्री डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, एच वन अपॉन के वन प्लस एच टू अपॉन के टू प्लस एच थ्री अपॉन के थ्री। होगा कि नहीं बोलो, होगा ना, होगा ना, यही तुम्हारा निकल के आ गया। अब इसी के लिए हम अगर बोलते कि एन हम सॉयल स्टार्टा लिए है ना, मेरा सॉयल स्टार्टा क्या है, बहुत सारे हैं सॉयल स्टार्टा, आपका ढेर सारा सॉयल स्टार्टा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे अप टू एच एन है ना, प्लस अप टू कहाँ तक, एच एन डिवाइड बाई के एन, यही आपका क्या निकल के आ जाएगा, के इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इसको याद रखना हमेशा, इसके न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, डेरिवेशन इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। तो के इक्विवेलेंट फॉर पैरेलल टू परपेंडिकुलर टू बेडिंग प्लेन, डिस्चार्ज थ्रू परपेंडिकुलर टू बेडिंग प्लेन, बेडिंग प्लेन के जब डिस्चार्ज परपेंडिकुलर हो रहा है, बेडिंग प्लेन मतलब सॉइल के बेडिंग प्लेन के परपेंडिकुलर डिस्चार्ज हो रहा है, तो के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, एच वन प्लस एच टू प्लस एच थ्री प्लस अप डॉट 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 अप टू एच एन है ना, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई हो जाएगा एच वन अपॉन के वन प्लस एच टू अपॉन के टू प्लस एच थ्री अपॉन के थ्री प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे देखो अपने से ले लिया इसे, थोड़ा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ओवर एस्टिमेट कर लेता है ना, ये क्या कर लेता है, ओवर एस्टिमेट कर लेता है कि इसी खींच रहा होगा, लेकिन हम इसे थोड़े खींच रहे हैं, चलो यहाँ रेड यूज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे डॉट 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 आपको क्या लिख सकते हैं, एच एन अपॉन के एन है ना, तो इसको याद रखो, एक पैरेलल वाला क्या था, पैरेलल वाला क्या था, के इक्विवेलेंट, पैरेलल वाला के इक्विवेलेंट था, पैरेलल वाला क्या था, के वन प्लस के टू प्लस के थ्री प्लस अप टू के एन डिवाइड बाई क्या था, एच वन प्लस एच टू प्लस एच थ्री प्लस डॉट 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 अप टू एच एन, बोलो था कि नहीं, स्मॉल में ही है, एच एन था ना, तो इसको याद रखना है। ठीक है, तो वीडियो देखिए पढ़िए, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे सीपेज, नेक्स्ट लेक्चर सेवन में होगा मेरा सीपेज है ना, तो सीपेज होगा, ये देखो इसमें ये लिखा हुआ है तो इसमें कंफ्यूज मत करना, एच लिखा हुआ है ना, तो इसका एच का वैल्यू लिख सकते हो ना, एच वन प्लस एच टू प्लस एच थ्री प्लस एच फोर प्लस अप टू एच एन तक, तो यही है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना इसमें है ना। अब हम लोग को नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर सेवन में हम लोग आएंगे सीपेज, सीपेज क्या होता है ना, तो यहीं पे हम लोग लेक्चर समाप्त करते हैं, आप लोग पढ़िए लिखिए, लेक्चर देखिए पूरा, बहुत सारा लेक्चर बन गया है ना। ठीक है, थैंक यू।